नमस्कार, सच का सामना में आपका स्वागत है। जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए आज बहुत ही खुशी की खबर है। कोविड-19 के चलते जम्मू और कश्मीर में जितने भी धार्मिक स्थल थे वो बंद थे। आज प्रशासन ने जम्मू कश्मीर में जो धार्मिक स्थलों को खोला है कुछ शर्तों और नियमों के साथ। उसके साथ ही आज हमने अभी ये अपनी कवरेज में आपको दिखाया कि जो बावे वाली माता का मंदिर, जो हमारे जम्मू का प्रसिद्ध मंदिर है, यहाँ पर आज श्रद्धालुओं की संख्या बहुत कम है। इसका कारण ये भी है कि जो वीकली लॉकडाउन चलता है उसके चलते आज संडे को लॉकडाउन है, जिसके चलते आज दुकानें और गाड़ियां सब बंद हैं। और इसका असर आज यहां मंदिर में भी देखने को मिला, श्रद्धालुओं की जो संख्या है वो बहुत ही कम है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि जो कुछ शर्तें और नियमों के साथ ही इस मंदिर को खोला गया है और श्रद्धालुओं के लिए यहाँ पर सैनिटाइज़र जो है उसका प्रबंध किया गया है, आइए आपको बताएँगे। इसके साथ ही आप देखते हैं यहाँ पे ये सैनिटाइज जो मशीन यहाँ लगाई गई है, जो भी श्रद्धालु माँ बावे वाली माता के दर्शन के लिए अंदर मंदिर के अंदर एंटर होगा वो यहाँ से अपने हाथ सैनिटाइज करके जाएगा। इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी किया जाएगा। आप नीचे मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे ये जो सोशल डिस्टेंसिंग के लिए ये यहाँ पर ये निशान बनाए गए हैं। जितने भी श्रद्धालु हैं ये इसी निशान के अंदर खड़े होंगे और बारी बारी यहाँ माँ बावे वाली माता के दर्शन करेंगे। बावे वाली माता के महंत जी से हम करते हैं बात, किन शर्तों और नियमों के साथ प्रशासन ने अनुमति दी है यहाँ श्रद्धालुओं को बावे वाली माता के दर्शन के लिए। जय माता दी। देखो, पहला तो हमारी जब ड्रिप काउंसिल मीटिंग हुई थी परसों, देखो पहला तो ये हिदायत उन्होंने दी कि सोशल डिस्टेंस जो है बड़ा लाजमी है और मास्क वो भी टाइट डाल के आओ, ढीला नहीं डालना है। दूसरा नंबर ये है कि जैसे आप मंदिर के किले के बाहर आओगे आपके हाथ पैर धुलवाए जाएंगे, वो कल से सिस्टम हमारा चालू हो जाएगा। फिर आगे हैंड वॉश आपके हो ही रहे हैं, फिर आगे सैनिटाइज टनल लगी है, थर्मल स्क्रीनिंग हो रही है। बाकी दूसरा उन्होंने ये बोला था कि मंदिर में कि टोटली प्रसाद नहीं लाना है। मैंने उनको ये फिर मेरी उनसे डिस्कस हुई, मैंने उनको बोला सर 5 महीने के दुकानदार बंद बैठे हैं, उनका भी थोड़ा मसला है, आप उनके बारे में ही थोड़ा देखो। फिर उन्होंने बोला आप फुलियाँ चढ़ा लो। मैं जी फुलियों से उनका क्या बनेगा, कुछ नहीं बनता है, बर्फ़ी तो बनवाओ। उन्होंने बोला पर आप मंदिर में नहीं ले जाओ, बाहर लगा दो कोई बक्से, उसमें लोग डाल दे जितना डालना, बाकी घर ले जाए। मैंने कहा ठीक है, हमको कोई इतराज़ नहीं है। और दूसरी कंडीशन उन्होंने ये रखी कि जो बकरी है ना, ये जानवरों से भी इन्फेक्शन हो रही है। उनका वह है कि जब तक कोविड-19 है तब तक आप बकरियाँ वहाँ अपने यार्ड में नहीं रखेंगे और ना ही लोगों से प्रार्थना की, ना ही वो घर से लाएँ। हाँ, जिसने कोई मोख चढ़ाना है, पंडित जी बैठे होंगे वहाँ, 125 रुपया, 5-11 रुपये, जितने किसी की श्रद्धा है वो चढ़ा सकता है। फिर एक उन्होंने कंडीशन ये रखी कि जो जूते हैं वो लोग अपनी गाड़ियों में ही उतारें, क्योंकि जूतों से भी इन्फेक्शन हो रही है। हमने अपना जो क्लॉक रूम है वो बंद कर दिया है, लोगों से हम प्रार्थना कर रहे हैं कि अपने जूते गाड़ियों में ही रखें। बाकी देखो, क्राउड को कम करेंगे तो सोशल डिस्टेंस बनेगा, ऐसे तो बन नहीं सकता। उसके ना 2-4-5 पॉइंट थे हमारे पास। एक तो ये था कि कई लोग हमको बोलते हैं जी हम हर मंगलवार को जाते हैं, हमने उनको प्रार्थना की आप एक मंगल छोड़ कर आएँ। अब 60 साल से ऊपर बुजुर्ग ना आए, 10 साल से छोटा बच्चा ना आए, प्रेग्नेंट लेडी ना आए, पास हमने अपने बिल्कुल बंद कर दिए। और VIPों को भी प्रार्थना की अभी थोड़ी देर वो कृपा ना ही आएँ, क्योंकि उनसे भी रश पड़ता है। बाकी देखो, रश कम होगा तो सोशल डिस्टेंस बनेगा, अगर रश ही हो जाएगा तो सोशल। बाकी देखो, लोग पढ़े लिखे हैं, लोग आज मंदिर खुला है, दरबार आप खुद देख रहे हैं, आ नहीं रहा कोई, लोग पढ़े लिखे हैं, लोगों सब, ये ऐसी बीमारी है, इससे तो हम खुद ही एहतियात बरतेंगे तो काम चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा। जैसे मोदी जी बोलते हैं जान है तो जहान है, आप पढ़े लिखे हैं, आपको सोचना चाहिए। बाकी आप जब आएंगे 5 महीने के बाद आप रहे हैं, बाहर का माहौल आपने देखा कितना अच्छा हो गया, फुहारे लगे, बैठने की जगह हो गई, पार्क बन गए। कृपा करके लोगों से अपील है कि वो भी सफाई रखें, जगह जगह गंद ना डालें, आराम से दर्शन करें। दर्शन सभी को होंगे पर होंगे सर्कल के ऊपर चल के ही। आप बोलेंगे कि नहीं जी मैं शॉर्टकट जाऊंगा, वो काम बिल्कुल बंद है। बाकी आपने देख लिया सारा, धन्यवाद सर। ये अभी बावे वाली माता के जो महंत जी थे, इन्होंने बताया कि इनके प्रशासन से क्या बात हुई और किन किन नियमों के साथ आपको यहाँ बावे वाली माता के दर्शन करने का मौका मिलेगा। सबसे पहली बात जो उन्होंने बताई कि यहाँ पे आपको जूते जो है वो अपनी गाड़ी में ही रखने पड़ेंगे,
और इसके अलावा सर एक चीज़ और मैं आपसे पूछना चाहूँगा, कुछ जो हमारे यात्री हैं वो मेटाडोर के जरिए भी आते हैं, उनकी अपनी पर्सनल गाड़ी नहीं होती, उनके लिए आपने क्या प्रबंध किए हैं? देखो उनसे हम पहले तो प्रार्थना कर रहे हैं कि वो कोई ना अपना इंतजाम करें, नहीं तो फिर दुकान जहाँ से वो प्रसाद लेंगे उनको बोलेंगे कोई प्रॉपर जगह ऐसी बनाए सैनिटाइज होती रहे, तो वहाँ जूते खोलेंगे फिर क्या करना है सर। पर अपनी गाड़ियों वाले तो कृपया अपनी गाड़ियों में ही खोलें। जैसे कि इनका कहना है कि जो लोग मेटाडोर में जो आते हैं, क्योंकि हर एक जो श्रद्धालु हैं उनके पास अपनी प्राइवेट गाड़ी तो नहीं है, लेकिन वो मेटाडोर के जरिए भी यहाँ पे आते हैं दर्शन के लिए, तो उनसे भी अनुरोध है कि वो जहाँ भी अपने जूते उतारें किसी दुकान में जहाँ प्रसाद लेते हैं, तो वहाँ पे भी दुकान वाले से भी आप खुद भी कहें कि यहाँ पे सैनिटाइज की जो व्यवस्था है वो पूरी की करें। और इसके साथ साथ जैसे कि महंत जी ने अभी बताया है कि जो 60 साल के ऊपर के लोग हैं वो भी यहाँ पे ना आएँ, और इसके अलावा जो 10 साल से छोटे बच्चे हैं वो भी दर्शन के लिए, और इसके साथ प्रेग्नेंट लेडी हैं वो भी ना आएँ। और अब सबसे बड़ी बात है इनका जो कहना है और प्रशासन के जो नियम हैं उन्होंने ये लागू किए हैं, उन नियमों का पालन करना हम लोगों के हाथ में है। श्रद्धा सुमन के साथ आप बावे वाली माता के यहाँ दर्शन करने आते हैं, और जैसे पहले भी आते थे उसी तरह आइए, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखिए, जिससे कि हमारे जो स्टेट है उसमें इस कोविड जैसी बीमारी को रोकथाम में हमारी पूरा सहयोग मिले। इसी के साथ सच का सामना में अमित कुमार, कैमरामैन सुमीर सागर के साथ, धन्यवाद। देख रहे हैं सच का सामना, देश का अपना चैनल।